गुड मॉर्निंग एवरीवन. हम लोग कैपिटल गेन कर रहे हैं. लास्ट क्लास वी हैड डन इंश्योरेंस क्लेम के केस में ईयर ऑफ ट्रांसफर पहले होता है एंड कैपिटल गेन इज एक्चुअली चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच क्लेम इज रिसीव्ड. उसी की तरह सिमिलर एक और है, कंपल्सरी एक्विजिशन, राइट. सो वी विल टेक अप अनदर केस. कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट. तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट आपका प्रॉपर्टी कंपल्सरीली एक्वायर कर लेता है एंड आपको फिर कॉम्पेंसेशन भी रिवॉर्ड करता है. तो जितना कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट देगा वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा. तो इसमें एक होता है जो इनिशियल कॉम्पेंसेशन जो गवर्नमेंट देती है, अगर आप खुश नहीं है तो आप गवर्नमेंट पे एनहांस कॉम्पेंसेशन के लिए आप कोर्ट में जाते हैं. तो पहला बात तो मैं इनिशियल कॉम्पेंसेशन की करूंगा. इनिशियल कॉम्पेंसेशन आपको इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकता है, एक बार में भी मिल सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता. पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा जब आपको पार्ट और फुल अमाउंट इज रिसीव्ड. लेकिन यहां पे आप देखिए पीरियड ऑफ होल्डिंग और इंडेक्सेशन कब तक किया गया है. टिल द डेट ऑफ कंपल्सन, सेम एज इंश्योरेंस वाला केस. डिस्ट्रक्शन में जो केस है ना, सिमिलर टू दैट है. सो अगेन इट्स एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, राइट. जनरल रूल क्या बोलता है, कैपिटल गेन विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस. बट यहां पर ट्रांसफर हो रहा है टिल द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, और टैक्सेबल कब होगा, जिस दिन आपको इनिशियल कॉम्पेंसेशन मिलेगा. विथ रेस्पेक्ट टू एनहांस कॉम्पेंसेशन, अगर आप कोर्ट में अपील करते हैं कि नहीं हमको कम मिला है, सरकार हमसे गलत काम कर रही है, आई नीड मोर कंपेंसेशन, देन इन दैट केस दे माइट गिव यू एनहांस कंपेंसेशन. सो एनहांस कंपेंसेशन का वैसा नहीं है, जब जितना मिलेगा उतना टैक्सेबल. एज एंड व्हेन रिसीव्ड आफ्टर पासिंग द फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. इनिशियल कंपेंसेशन मान लो अगर 29 लाख है, उसमें से 4 लाख ही मिला है, बट स्टिल आपको 29 लाख पर टैक्स दे देना है शुरू में ही. तो ये शुरू में ही पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. टैक्सेबल व्हेन कंपेंसेशन और पार्ट देयर ऑफ इज फर्स्ट रिसीव्ड. द मोमेंट इट इज रिसीव्ड इट इज टैक्सेबल, बट एनहांस जब जब मिलेगा तब तब टैक्सेबल. इनिशियल कॉम्पेंसेशन का एक्चुअल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वेर एज विथ रेस्पेक्ट टू एनहांस कंपेंसेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट इज निल. इसका अगर ये लॉन्ग टर्म है तो ये भी लॉन्ग टर्म माना जाएगा, ये शॉर्ट टर्म है तो ये भी शॉर्ट टर्म माना जाएगा, राइट. एनहांस कॉम्पेंसेशन, सपोज करो मैंने मेरा प्रॉपर्टी था, गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया एंड बाय द टाइम आई एम गेटिंग द कॉम्पेंसेशन मैं हुई नहीं, इन दैट केस जिसको मिलेगा मेरे नॉमिनी को, लीगल हायर्स को, इट विल बी टैक्सेबल इन देयर हैंड्स. So this is something needs to be known. So यहां पे देखिए एक example दिया हुआ है. Let us try to understand with the help of this example. मैंने property acquire किया है 5/2004 में. सो इफ आई टॉक अबाउट माई पीरियड ऑफ होल्डिंग, सो पीरियड ऑफ होल्डिंग इज टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन, सॉरी फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, जिस दिन से मैंने खरीदा है टिल माई कंपल्सरी. देखो कॉम्पेंसेशन मेरे को 21/22 में मिला है, कॉम्पेंसेशन मेरे को 21/22 में मिला है फर्स्ट, और बाकी का 22/23 में. तो जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला ना, उसी समय पूरा 2 लाख पे टैक्स लगेगा. सो दिस इज क्वाइट नॉर्मल, इंश्योरेंस क्लेम की तरह ही है. डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन इज 2508, बट कैपिटल गेन will be chargeable to tax in the year
थोड़ा पैसा 21-22 में मिला, थोड़ा पैसा 22-23 में मिला है, तो पूरा 21-22 में पूरा टैक्सेबल होगा। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर 21-22, पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका अप टू द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, इंडेक्सेशन ऑल्सो अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन अप टू द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन एंड दिस इज द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये मेरा ट्रांसफर ईयर है, सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर होता है ना न्यूमरेटर में, अभी गवर्नमेंट जब डिले करती है ना तो इंटरेस्ट मिलता है, राइट? सो जो भी कॉम्पेंसेशन पे इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि तुम खुद देखो ना, गवर्नमेंट कंपल्सरीली एक्वायर कब कर रही है, गवर्नमेंट कंपल्सरीली एक्वायर कर रही है 2008 में, और तुमको पैसे कब दे रही है, ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स के बाद, तो इंटरेस्ट तो बनता है ना। तो जो भी इंटरेस्ट मिलेगा कॉम्पेंसेशन पे, ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। राइट? और जैसे हाउस प्रॉपर्टी में 30% ऑफ एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, यहां पे 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीट। ठीक है, सो काफी नॉर्मल सा चीज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट अस स्टार्ट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चन 14। प्रॉपर्टी खरीदा है, ठीक है, सो 1/4/2001 के पहले खरीदा तो फेयर मार्केट वैल्यू वाला ऑप्शन मिल जाएगा 5 लाख, और फेयर मार्केट वैल्यू में जो तो हायर है, ये हमारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो गया। सो पहला पैराग्राफ इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये हमारा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन तो पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड इंडेक्सेशन अप टू द डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन 29 लाख का कॉम्पेंसेशन मेरे को मिला है, दिस इज एफवीसी। और कब मिला, 23 में, सो दिस इज ईयर ऑफ taxability of capital gain, अब मैं खुश नहीं हूं तो मैंने enhanced compensation के लिए apply किया है, बोला बढ़ा के 35 लाख करो। So what is enhanced compensation? EC is 6 लाख, जब मिलेगा तब taxable, taxable when received, so this is 23-24 and this is next year, so 24-25 interest also you have received, but that is other sources एंड इससे रिलेटेड एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। फ्लैट 50% एचडी स्टैंडर्ड डिडक्शन,
राइट। तो सबसे पहले अपने को निकालना है पीरियड ऑफ होल्डिंग, एक चार से एक अगस्त दस, ठीक है। So this is more than 24 months. Long term capital asset. Cost of acquisition. Five lakh or 7 lakh. Whichever is higher. Indexation up to 10-11. तो ये सब बात हम लोग को मालूम है। राइट, कंप्यूटेशन ऑफ LTCG पहले हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर 2023-24। सबसे पहले हम लोग का आएगा इनिशियल कॉम्पेंसेशन,
FVC 29 lakh. एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफर नहीं है, इंटरेस्ट का एक्सपेंस है. अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो लोग इंटरेस्ट का एक्सपेंस दिया, एक्सपेंसेस फॉर सच इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 1 लाख. एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफर तो कहीं भी नहीं है. राइट. नेट सेल कंसिडरेशन 29 लाख लेस ICOA 7 लाख इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर. CII ऑफ द ईयर 10-11 बाय CII of the year 1-4-2001 के पहले है तो इंडेक्सेशन स्टार्ट होगा 0102 से. सो दिस इज 7 लाख इंटू 167 और इसका 148, ये भी चाहिएगा अपने को. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1 लाख का हुआ है. CII ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट इज 9-10. 9-10 का 148. एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन इस साल कितना मिला? 4 लाख. तो ये इनिशियल कंपेंसेशन हो गया, एनहांस्ड हो गया.
राइट right? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन 12 लाख तो इनिशियल कॉम्पेंसेशन 29 लाख मिला इस साल, एनहांस कॉम्पेंसेशन 4, तो जो इनिशियल कॉम्पेंसेशन का जो होगा एनहांस का भी उतना ही होगा, लेकिन इसका कुछ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। मिला 6 लाख है, यहां पे अगर 29 लाख में 10 लाख मिला होता तो भी 29 लाख पे टे इवन इफ पार्ट इज रिसीव्ड फुल अमाउंट इज टैक्सेबल। राइट, तो ये 23-24 जो इस साल है, करेंट ईयर है, इसमें इनिशियल कॉम्पेंसेशन पूरा 29 लाख आएगा इवन इफ पार्ट इज रिसीव्ड। एनहांस जितना है उतना आएगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ईयर का, अगला साल। अगला साल जितना मिलेगा उतना टैक्सेबल। Now we will go for exemption under section 54. Very important. छोटा छोटा टॉपिक्स और है, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे. Exemptions under section 54. Round about 5 exemption है.
लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, कौन सा वाला कैपिटल एसेट? रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, परचेज ऑफ वन रेसिडेंशियल हाउस और कंस्ट्रक्ट वन रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया, बट ऑब्वियस है अगर आप एक घर बेच के दूसरा घर खरीद लेते हैं तो जितना भी कैपिटल गेन हुआ है उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। टाइम लिमिट क्या है? परचेज वन ईयर बिफोर और टू ईयर फ्रॉम ट्रांसफर डेट और कंस्ट्रक्ट इन थ्री ईयर फ्रॉम ट्रांसफर डेट। मतलब बहुत सिंपल है, या तो बिफोर वन ईयर से प्लानिंग चल रहा है या विद इन टू ईयर या विद इन थ्री ईयर। एग्जेम्पशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ द न्यू हाउस ऑब्लिक अमाउंट डिपॉजिटेड इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट। नाउ व्हाट इज दिस? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। This is very simple. Time limit समझ में आया? अब इसका मतलब क्या है? बोला suppose करिए आपने 1st Feb 24, ये आपका transfer date है, तो time limit कब तक है आपके पास? 31st January 26, this is year 2023-24, so within 2 years or within 3 year construction, construction का completion certificate आ जाना चाहिए। स्टार्ट पिछला 10 साल पहले से हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है
यहां बीच में आपका रिटर्न फाइलिंग डेट आएगा 31 जुलाई 24। तो ये वाला जो रिटर्न फाइलिंग डेट आएगा आपको बताना पड़ेगा आपका कैपिटल गेन कितना हुआ है। तो इफ यू हैवेंट परचेज्ड, टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुआ है, इफ द एसएससी हैज नॉट येट परचेज द न्यू हाउस देन इन ऑर्डर टू क्लेम एग्जेम्पशन ही नीड्स टू डिपॉजिट सच अमाउंट इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट। मतलब इससे आपका इंटेंशन मालूम चल जाएगा कि हां आपको खरीदने का मन है। मैं मानता हूं आपका टाइम लिमिट अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है, आपके पास अभी भी समय है, लेकिन मेरे को कैसे मालूम चलेगा कि आप खरीदेंगे? तो आपको इस अकाउंट में डालना है। एक बार पैसा आप इस अकाउंट में डाल दिया ना, अब इस अकाउंट से पैसा आपको घर खरीदने के लिए निकाल सकेंगे आप। अब बहुत लोग ऐसा होता है, एक बार एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया, अगर मैंने इसके पहले खरीद लिया तो दिक्कत ही नहीं है ना, लेकिन मेरे को अभी अच्छा घर नहीं मिला, मैं सोच रहा हूं खरीदूंगा कि बाद में खरीदूंगा, अभी टाइम लिमिट तो है, अभी भी 1.5 साल पड़ा है, 24 का 5 महीना, 25 पूरा, 26 का 1 महीना, 1.5 साल पड़ा, 18 महीना अभी भी है मेरे पास। वाई टू हरी सो मच? New house not purchased before return filing date. If the SSC has not yet purchased the new house or not yet constructed the new house within 3 years, okay? On expiry of 3 years from the date of transfer. Unutilized amount in capital gain deposit scheme account will be taxable as long term capital gain. घर खरीद लो, घर बेच के घर खरीदो, घर बेच के घर खरीदो, 1 साल पहले से खरीद रखा है, आने वाला 2 साल में खरीदोगे या बनाओगे? यहां पे कंप्लीशन का बात हो रहा है, कंप्लीशन। राइट, टाइम लिमिट के अंदर में तो आपका एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बट रिटर्न फाइलिंग डेट तक तो टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं करेगा, तो आपका इंटेंशन बताना पड़ेगा। तो इंटेंशन कैसे मालूम चलेगा? कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट में पैसा जमा करिए, और जो भी अनयूटिलाइज्ड होगा वो बाद में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इज इट फाइन एवरीवन? क्लियर कंडीशंस? इफ द कैपिटल गेन
अमाउंट डज नॉट एक्सीड रुपीज 2 crores, देन एसएससी कैन परचेज ऑब्लिक कंस्ट्रक्ट 2 new रेसिडेंशियल हाउस. एक का उतना नहीं है दाम, 2 कर सकते हैं आप. आप अपना जिंदगी में एक ही बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं. दूसरा, न्यू हाउस सोल्ड विद इन 3 years, देन अमाउंट एग्जेम्प्टेड विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द न्यू हाउस. एक ही बात है, आपको बाद में नया हाउस में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा. बोलते अगर कैपिटल गेन का 2 crore से ज्यादा नहीं है, राइट, अगर कैपिटल गेन 2 crore से ज्यादा नहीं है, तब आप परचेज कंस्ट्रक्ट 2 नया रेसिडेंशियल हाउस कर सकते हैं. और नया घर जो आप खरीदे हैं उसको आप 3 साल के अंदर अंदर नहीं बेच सकते. अगर आप बेचेंगे तो जितना अमाउंट आपको, देन अमाउंट एग्जेम्प्टेड विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट, मतलब नया घर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम माना जाएगा, तो ऑटोमेटिकली नया घर में कैपिटल गेन ज्यादा आएगा. सो घर बेच के घर खरीदना है 1 साल पहले, 2 साल तक, या 3 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराना है, या तो आप रिटर्न फाइलिंग डेट तक खरीद लीजिए. हालांकि आपका टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुआ है, तो आप आपका इंटेंशन बताना पड़ेगा, तो उस पैसे को आपको कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा. ठीक है, चलिए आइए इसके रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे हम लोग. निश्चित सोल्ड रेसिडेंशियल हाउस फॉर रुपीज 60 lakh ऑन 16th August 2023. The residential house was purchased by him in 1998 for rupees 1 lakh. Fair market value as on 1/4/2001 is rupees
बहुत सिंपल है, मैंने घर बेचा है 60 लाख में, जिसको मैंने 1998 में खरीदा था, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू दे दी, रिटर्न फाइलिंग डेट दे दिया। अभी मेरा 16 अगस्त है, 2 साल टाइम लिमिट क्या है, 15 अगस्त 2025, और अगले साल इसकी रिटर्न फाइलिंग डेट आएगी जुलाई। तो जुलाई के पहले तक या तो खरीद लो या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर दो। ठीक है ना, आइए। सबसे पहले हमको निकालना है पीरियड ऑफ होल्डिंग 1998 से लेके 16 अगस्त, तो यार है हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इज इट फाइन एवरीवन? कंप्यूटेशन ऑफ एलटीसीजी, ठीक है, एफवीसी, एक्सपेंसेस और ट्रांसफर कुछ है ही नहीं। अच्छा, इस समय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर निकालना रहेगा तो 1/4/2001 के पहले खरीदा गया है, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, तो 1.5 लाख लिया जाएगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1/4/2001 के पहले, तो बेसिक इंडेक्सेशन विल बी 0102। तो ये मेरा एलटीसीजी है, तो इतना तक का घर मैं खरीद सकता हूं। लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 2 करोड़ के नीचे है ना, तो आई कैन टेक एग्जेम्पशन विथ रेस्पेक्ट टू टू हाउस। Now, दोनों घर ही मैंने रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले खरीद लिया है, 1 मई 2024 में, देखो ये वाला साल खत्म कब हो जाएगा, 31 मार्च 24 को साल खत्म हो जाएगा। इसका रिटर्न फाइलिंग डेट कब है? बेचा इस दिन है मैंने, बेचा मैंने अगस्त में है, साल यहां खत्म हो रहा, रिटर्न फाइलिंग डेट ये है, तो रिटर्न फाइलिंग डेट तक खरीद लो या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करो। तो मैंने दोनों घर ही खरीद लिया, देखो रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले मैंने दोनों घर ही खरीद लिया है। तो दोनों घर के रेस्पेक्ट में मेरे को एग्जम्पशन मिल जाएगा।
तो ये जो आएगा ना ये हमारा होगा टैक्सेबल एलटीसी जी, तो दिस इज माय फुल कैलकुलेशन। दो घर के रेस्पेक्ट में टू रेसिडेंशियल हाउस, टू न्यू रेसिडेंशियल हाउस, तो सबसे पहले अपने टैक्सेबल एलटीसी जी निकाल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया हूं। इसके अलग अलग केसेस हैं तो केसेस बाद में देखेंगे एग्जम्पशन का, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेबल कर लो। नॉर्मल है, सेम था। आप एग्जेम्पशन देना है ना, तो उसमें इन्होंने अलग अलग केसेस बनाया है। जैसे क्या केसेस है, तो ये आ गया ना। सबसे पहला केस,
केस वन, ही इन्वेस्ट रुपीज 4,50,000 इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ऑन 30/6/24, ठीक है। ही परचेस्ड हाउस प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 4,20,000 ऑन 1st August 2024, रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद, नो फर्दर इन्वेस्टमेंट इज मेड। तो ये हमारा पहला केस है, बोले रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले आप एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, आप 4,500,000 का एग्जेम्पशन ले लीजिए, जितना आपने जमा किया कोई दिक्कत नहीं है। आपका इंटेंशन आपको बताना पड़ेगा, तो आपका टैक्सेबल एलटीसीजी आ गया, ठीक है। सो दिस इज योर प्रीवियस ईयर 2023-24, यह असेसमेंट ईयर 2024-25, 23-24 का कैलकुलेशन है ये। रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले आपने अपना इंटेंशन बता दिया कि आप 4,500,000 का घर खरीदेंगे, उसी हिसाब से आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 4,500,000 आपने जमा किया, मैंने आपको एग्जेम्पशन दे दिया, कोई बात नहीं। आपके पास टाइम लिमिट कब तक है? 15 अगस्त 2026 तक। ऑन एक्सपायरी ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, दैट इज 15th August 2026। एनी अमाउंट अनयूटिलाइज्ड इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट विल बी टैक्सेबल एज LTCG, दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 30,000। आपको वेट तो करना ही पड़ेगा 3 साल तक, क्योंकि अगर आप 24-25 में टैक्सेबल कर देंगे, वो बोलेगा मैं तो आगे खरीदने वाला था घर, तो जितना आपने जमा किया उसके बेसिस पे पहले आपको एग्जेम्पशन मिल गया। अब आपने 4-20 का घर खरीद लिया, आप यहां चाहते तो आप यहां पे 10-12 लाख, 20 लाख, 40 लाख तक, 45 लाख तक आप जमा कर सकते थे, आप 45 लाख तक का घर खरीद सकते थे, बट ठीक है, आपको 4,500,000 का घर खरीदना था, आपने जितना जितना, और यहां पे आप 2 घर भी खरीद सकते थे, 2 करोड़ के नीचे है, जैसे ही हमारा 15 अगस्त होगा 2026, 3 साल, क्योंकि फाइनल टाइम लिमिट के बाद ही, एनी अमाउंट अनयूटिलाइज्ड इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट विल बी टैक्सेबल एज LTCG।
ठीक है। केस टू, ही परचेस्ड न्यू हाउस ऑन 27/24 फॉर रुपीज 3 लाख। सो एनी वे ही विल गेट एग्जेम्पशन, और इसने नो बाकी का पैसा चाहता तो ये दो घर कर सकता है, बट इसने ही परचेज न्यू हाउस ऑन जुलाई 24 फॉर ₹3 लाख। द न्यू हाउस इज सोल्ड बाय हिम फॉर ₹7 लाख ऑन 1st December 24। लालच, पैसा आ रहा था बेच दिया, तो होगा क्या ध्यान से सुनो। यहां तक तो सेम होगा, पूरा ही कॉपी कर लो। ₹3 लाख का घर खरीदा तो ₹3 लाख टैक्सेबल हो गया, एग्जेम्पशन मिल गया, और कुछ नहीं किया है। टैक्सेबिलिटी ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस, इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग है 27/2024 से लेके 2024। पहले नया घर का नॉर्मल निकाल लो, इस दिन खरीदा इस दिन बेचा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ₹3 लाख माइनस 3 लाख, एज न्यू रेसिडेंशियल हाउस इज सोल्ड विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, अमाउंट एग्जेम्प्टेड अर्लियर विल बी रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखो यहां पे लिखाया हुआ भी है कंडीशन में, जस्ट ठीक है, कंडीशन है आप नहीं बेच सकते, बेचेंगे कोई दिक्कत नहीं है,
इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आएगा? सो कंप्यूटेशन ऑफ एचटीसीजी प्रीवियस ईयर 2024-25 एफवीसी 7 लाख लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0. सो अल्टीमेटली यू आर पेइंग टैक्स ऑन हाई अमाउंट. सो अल्टीमेटली यू आर पेइंग टैक्स ऑन हाई अमाउंट. ठीक है, चलिए. अच्छा, ये जो एग्जेम्पशन है ना, ये एग्जेम्पशन जो मैंने बताया है, खाली इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा और लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट. आई गेस दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. घर बेच के घर खरीदा है, अगर रिटर्न फाइलिंग डेट तक नहीं खरीदा तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करो. 3 साल के बाद जो भी अनयूटिलाइज्ड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर वो टैक्सेबल हो जाएगा. एंड अगर जो खरीद लेता है उसको 3 साल के अंदर अगर बेच दिया तो जितना एग्जेम्प्टेड था वो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाएगा. एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B सेम only to individual obligation, मतलब partnership firm वाले को इस टाइप का deduction नहीं, exemption नहीं मिलता है. transfer of long term capital asset, short term capital asset. एग्रीकल्चरल लैंड इन अर्बन एरिया. रूरल एरिया वाला तो वैसे ही कैपिटल एसेट नहीं होता, तो उसका टैक्सेबल है ही नहीं वो.
ठीक है। क्योंकि टाइम लिमिट यहां पर भी 2 साल है। ठीक एग्जेम्पशन समझ में आ गया कितने का मिलेगा? नया लैंड को बेच नहीं सकते। ठीक है, बाकी सारा प्रोविजंस वही है, बट वहां पे जो दो घर वाला था ना, यहां पे वैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54EC। ऑल SSC पार्टनरशिप फर्म कोई भी हो, जो लोग बेचेगा उन लोग को एग्जेम्पशन मिलेगा। ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। परचेज ऑफ बॉन्ड ऑफ
NHAI rural electrification bond power finance corporation limited indian railway finance कॉरपोरेशन, इन स्टेप का बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे मिल जाएगा विद इन सिक्स मंथ्स फ्रॉम ट्रांसफर डेट. ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है. मैक्सिमम एग्जेम्पशन $50 lakhs. If bond sold within 5 years from the date of purchase, then amount exempted will be taxable as LTCG. सीधा बॉन्ड को बेचा उसमें जो फायदा हुआ वो अलग, इसको अलग से टैक्सेबल कर देंगे जितना एग्जेम्पशन हुआ. और यहां पे वो कैपिटल गेन अकाउंट्स की मिनी इन्वेस्टमेंट करना है तो सीधा यहां करो, सीधा बात है. इसमें रुकने का कोई टाइम काफ नहीं है और टाइम लिमिट भी ज्यादा नहीं है, विद इन सिक्स मंथ है. तो जो भी है रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले करना ही पड़ेगा यहां पे. Let us do an example. Mr. B purchased a land in Kolkata for rupees 1 crore 80 lakh on 25 February 24. Following investments were made. अट्ठाईस तीन चौबीस को एग्रीकल्चरल लैंड इन विलेज
75 लाख ठीक एनएचएआई में पैसा लगाया ₹48 लाख 02/04/2024 रॉयल इलेक्ट्रिफिकेशन कैपिटल गेन निकालना है। सबसे पहला प्रीडा होल्डिंग क्या आएगा 2008-09 से लेके 25 फरवरी मोर देन 24 मंथ्स तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। नाउ मिस्टर बी है तो 54 बी भी मिलेगा इसको, 54 इंडिविजुअल है ना, 54 बी भी मिलेगा, 54 ईसी भी मिलेगा, क्योंकि 54 बी के लिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों चलेगा और इसके लिए लॉन्ग टर्म, तो ठीक है लॉन्ग टर्म है तो दोनों ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रीवियस ईयर 2023-24 एफवीसी आईसीओए 6 लाख में खरीदा है, एट नाइन का इंडेक्सेशन चाहिए अपन को, 8-9 का। एट नाइन का इंडेक्सेशन है 137। ठीक है तो ये एलटीसीजी आया एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 बी 75 लाख का लैंड खरीदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक नाउ 54 ईसी में टोटल दोनों देखो तो दोनों विद इन 6 मंथ्स हुआ है, ठीक है ना, लेकिन 50 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम रुपीस 50 लाख।
दोनों एग्जेम्पशन मिल जाएगा ना यहाँ पे, एनएचएआई और रूरल डायरेक्ट रिफ्लेक्शन बॉन्ड दोनों क्वालिफाई करता है। कैनॉट बी सोल्ड विद इन 3 ईयर, कैनॉट बी सोल्ड विद इन 5 ईयर। अगर इसको बेचेंगे तो जब नया लैंड तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा और यहां पे आपका वो हो जाएगा एलटीसीजी टैक्सेबल हो जाएगा 50 लाख का। पहले नॉर्मल कैपिटल गेन निकाल लो, पीरियड ऑफ होल्डिंग, इंडेक्सेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। अब एग्जेम्पशन, लैंड बेच के लैंड खरीदा है, लैंड कैन बी परचेज इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया रूरल एरिया उससे फर्क नहीं पड़ता। अर्बन एरिया वाला जमीन बेचो, क्योंकि रूरल एरिया वाला तो वैसे कैपिटल एसेट नहीं है। अर्बन एरिया वाला जमीन बेच के लैंड कहीं भी ले लो, एग्जेम्पशन मिलेगा। और 54 ईसी बोलता है आप इन्वेस्ट कर दो एनएचए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड तो भी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, राइट। सो हमने 54 पढ़ा जहां पे घर बेच के घर खरीदना है, 54 बी में लैंड बेच के लैंड खरीदना है, और 54 ईसी में इन्वेस्टमेंट करना है। तीनों का टाइम लिमिट अलग अलग है, 1 साल 2 साल 3 साल, वहां पे 2 साल, यहां पे 6 महीना। 54 बी खाली लॉन्ग शॉर्ट दोनों में है, 54 ईसी एंड 54 ओनली लॉन्ग टर्म। 54 एंड 54 बी इंडिविजुअल एसएससी को मिलेगा एंड 54 ईसी सबको मिलेगा, कंपनी पार्टनरशिप ऑफ एवरीवन, ठीक है। Few questions we have and a few exemptions also are left. We will do in the next class. Okay. Bye-bye.